नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नारी शक्ति संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर 111 पौधों को शहर के घुरठ स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में लगाया गया, जहाँ उसकी उचित देखभाल हो सके, जिससे आने वाले समय में पौधे बड़े होकर पर्यावरण को लाभ पहुंचा सके और पर्यावरण में आए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संतुलन बना रहे। इस अवसर पर पर्यावरण संतुलन में पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल में सभी लोगों को ऑक्सीजन के महत्व के बारे में पता चल गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर पूनम तिवारी सचिव ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष संस्था द्वारा पर्यावरणीय संतुलन के लिए कम से कम 100 पौधे लगाए जाते हैं। इस अवसर पर सुधा तिवारी, रश्मि डालमिया, अनीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नेहा दुबे, आभा अग्रवाल, रिंकी गुप्ता, सीमा मदनवाल, मानसी मदनवाल, अनीता खंडेलिया, अंशु चतुर्वेदी, सरोज यादव सहित नारी शक्तियाँ उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष मिश्रा और संस्था के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने, सुनिए। डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नारी शक्ति संस्थान की तरफ से 111 पौधे और ये सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम लोग फिर इस बार पौधारोपण किए हैं। और एक अपील करना चाहूँगी मैं सभी अपने देशवासियों से कि कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और सभी को उसका लाभ मिलता रहे। नारी शक्ति संस्थान प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन 100 पौधे लगाता है और इसी पौधारोपण के लिए हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं और 111 पौधे हम लगाते हैं। तो आज इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोगों ने आज यहाँ पौधे सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने बहुत कुछ पौधे अभी लगाए हैं और 6 सभी लगाना बाकी हैं। आज यहाँ पर आप लोग क्यों आई हुई हैं? आज 5 जून है तो ये महिलाएं क्यों आई हुई हैं यहाँ पर? आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। वृक्षारोपण तो यूँ हम हर वर्ष ही करते हैं, लेकिन जैसा कि इधर कुछ गत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जो स्थितियाँ रही हैं कोरोना जैसी महामारी के समय पे, अब ये लोगों को इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से सभी के लिए हुई, ये कमी हम केवल वृक्षारोपण के माध्यम से ही पूरी कर सकते हैं। और हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि अभी से अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को हम इस कमी से निश्चित रूप से उनको दूर रख